हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, आखिरकार अपने फैंस के साथ दीपिका कक्कड़, इब्राहिम और उनके शौहर शोएब इब्राहिम ने गुड न्यूज को शेयर किया है और ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट की है कि हाँ, वी आर प्रेग्नेंट। एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपना फर्स्ट चाइल्ड। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ किस बात का डर सता रहा है दोनों को, अम्मी ने फूट फूट कर रोकर फैंस के आगे क्यों कहा कि दुआ करो। वेल दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। पर उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, आप बता दें कि दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम दोनों ही टीवी इंडस्ट्री के सबसे चहीते कपल्स की लिस्ट में शायद सबसे पहले नंबर पर आते होंगे, क्योंकि फैंस इनसे इनके डेली लाइफ व्लॉग्स के जरिए अक्सर कनेक्ट करते हैं और लंबे समय से पूरे 22 दिन से दोनों ही व्लॉग्स नहीं डाल रहे थे, जिसके पीछे की बड़ी वजह थी दीपिका की प्रेगनेंसी। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि दीपिका शोएब पहले भी माता पिता बनने वाले थे, लेकिन अचानक से दीपिका का मिसकैरेज हो गया और दीपिका इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को मेंटली तो स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बना लिया था, लेकिन उनकी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा। लेकिन एक बार फिर से अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल किया है और दीपिका की झोली में एक नन्ना फरिश्ता डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, दोनों ही अभी भी बहुत डरे हुए हैं, इसीलिए जब व्लॉग्स के जरिए अपने फैन से इस बात को शेयर कर रहे थे तब दीपिका की आंखें भी नम हो गई थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि दीपिका की प्रेगनेंसी अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि इनकी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके दीपिका की तबीयत लगातार खराब रहती है और उनकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड बताया गया है। कहा गया है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, डिलीवरी के टाइम पे भी दिक्कत हो सकती है, दीपिका को अपना खास ख्याल रखना पड़ेगा। और यही वजह रही कि अम्मी की आंखें भर आई और उन्होंने फैन से कहा कि आप सब दुआ कीजिएगा। ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे, हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।